आरएफ एम्पलीफायर जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, इसका यूज डिफरेंट इक्विपमेंट्स में किया जाता है। इसका एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जो डिपेंड करती है कि हमने कैसे एम्पलीफिकेशन करनी है। ये इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है आरएफ एम्पलीफायर का, स्कीमेटिक डायग्राम्स। इसमें एएम रेडियो रिसीवर्स के लिए जो हमारा आरएफ एम्पलीफायर है उसके लिए यूज किया जाता है। जो इनपुट सर्किट होता है जिसमें एंटीना कनेक्टेड होता है, देखिए इनपुट सर्किट यहाँ पे ये हमारा इनपुट शो करता है, ये एंटीना के साथ कनेक्टेड होता है। जो रेडियो रिसीवर होगा एंटीना क्या करेगा, कैच करेगा फ्रिक्वेंसीज को, और ये कनेक्टेड है L1 वाइंडिंग के साथ, कोयल के साथ, और जो कि LC सर्किट का पार्ट है। LC सर्किट जो कि ट्यून्ड करेगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि यहाँ पे C1 जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है, ये क्या करेंगे एक डिजायर स्टेशन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके एक डिजायर स्टेशन की जो स्टेशन चाहिए उसको ट्यून करते हैं, और ये काम वेरिएबल कैपेसिटर C1 की हेल्प से किया जाता है। देखिए इसमें एक चीज, जो L1 है, कॉइल L1 है, और जो L2 है वो सेम रोड पे कनेक्टेड है। ये है L1 और ये है L2, सेम रोड पे कनेक्टेड है, और ये कपल हो रही है C2 के थ्रू ट्रांजिस्टर के साथ, जिसमें C2 क्या है बेस के साथ कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टर इसके बीच में कनेक्टेड है जो कि R1 रेजिस्टर है। इसका काम है प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड करना सर्किट को, यानी ट्रांजिस्टर के बेस पे प्लस VBB सप्लाई पे है, ये प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड करेगा ट्रांजिस्टर के बेस पे। और रेजिस्टर R3 ये एमीटर पे प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड, R2 जो कि एमीटर पे प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर C3 जो कि बायपास कैपेसिटर है R2 के लिए। नेक्स्ट पार्ट में ये जो ट्रांजिस्टर है T1 और C4 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं और एक LC सर्किट फॉर्म कर रहे हैं, ये लोड की तरह एक्ट करेगा। और ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं C1 और C4, ये एक गैंग बना के काम करते हैं, इसी वजह से इन्हें गैंग कैपेसिटर भी बोला जाता है। और ये वाला जो सर्किट है ये ट्यून्ड होगा C4 की हेल्प से, ये भी वेरिएबल कैपेसिटर है। जो कैपेसिटर 1 है ये एंटीना से सिग्नल अलाउ करेगा, और ये दोनों एक साथ ट्यून्ड करेंगे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। और देखिए ये जो हमारी T1 है ये सेंटर टैप्ड है, इसका काम क्या कर होता है इम्पीडेंस मैचिंग करने का काम, इसलिए इसे सेंटर टैप किया जाता है, जो कि इम्पीडेंस मैचिंग करती है ट्रांजिस्टर के साथ, जो कि Q1 है, इसके साथ इम्पीडेंस मैचिंग करने का काम करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती इस सर्किट में, ये सर्किट AM ब्रॉडकास्ट बैंड को डिजाइन करने में यूज होता है। RF एम्पलीफायर का AM ब्रॉडकास्ट एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 535 kHz टू 1605 kHz तक होती है। रिलेटिवली जो लो RF फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डीजनरेटिव होती हैं, और फीडबैक होता है इसमें बेस और कलेक्टर इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस की वजह से, जो कि माइनर होता है। इस वजह से जो एम्पलीफायर है उसमें न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, ये हमारा RF एम्पलीफायर होता है। और ये जो VCC सप्लाई है ये कलेक्टर पे बायसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है, इस तरह से हमारा RF एम्पलीफायर वर्क करता है। और C1 और C4 जो कि वेरिएबल कैपेसिटर है, गैंग कैपेसिटर बोला जाता है, क्योंकि एक साथ ट्यून होते हैं, और ये हमारा RF एम्पलीफायर। नेक्स्ट टॉपिक में हम AM ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।